don't remember. No, okay, say something. Okay. अंदर जीना बोला क्या था कल तो फोन क्या दिया हम नेपी हूँ ना एकदम कोई वाहन चल रहा है क्या गलत क्या बोल रहे छे 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 वा वा से 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 छ वन 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 छ छ ना हड्डी टूटे हुआ तो ना चलने जा रहा है चला गया इस बार तो कहीं का बैठा हुआ है समझ रहा छ छ हाँ एक तारीख को है तीन तारीख को है अट्ठाईस को मोनू का काम लिया हो छ छ वन वन छ छ वन वन छ छ वन वन
यहाँ देखिए, ठीक है, वो दीजिए, निकाल के हाथ में दीजिए ना, मोमेंटो हाथ में दीजिए, फिर हटाइए, तो यहाँ देखेंगे, ठीक। पुलिस के साथ में है और बड़े ही संवेदनशील स्थान पर उनका प्रशिक्षण है हमारे बीच। हम इन्हें पाकर बहुत गौरवान्वित अनुभव करते हैं और आप जिस उम्र में हैं उस उम्र में एक प्रेरणा के स्रोत हैं विश्व जी के। उनके बगल में हमारे दो देश पितामा की तरह साझा बाबू और आप बच्चे हैं, इसलिए आपका जानना बहुत जरूरी है कि केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अनुसार या अनुरूप वातावरण न मिलने पर अपने को भी बदलना होगा और अपने समुदाय के साथ रहकर के लोगों के बीच में एक चेतना जागृत करनी होगी और उस पे कोई विभेद नहीं होना चाहिए। उसमें आपका ईश्वरीय भाव से पूरी तरह आप अगर सम्मिलित होकर अगर प्रयास करते हैं अपने विद्यालय के लिए। मैंने इनसे फोन पर भी कहा था कि देखिए इस महाविद्यालय प्रांगण में शिक्षकों की कमी हो रही है और इस कमी के लिए हम लोग सब मिल के प्रयास करें। हम लोग अच्छा प्रोग्राम करते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, लेकिन मान लीजिए हम अच्छे टीचर नहीं अगर हमारे बीच में आ रहे हैं, हमारे अच्छे टीचर्स अगर नहीं हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छा आगे कर, क्योंकि गूगल में सब नहीं मिलेगा, सांता क्लॉज नहीं मिलेगा आपको, महामारी से सांता क्लॉज नहीं मिलेगा। साझावाओं की तरह एक सहज आत्मा का सम्मान देने वाला आपको नहीं मिलेगा। आपको दयाल साहब जितना भी पढ़ के रगड़ के आईपीएस बने होंगे उससे आप बहुत ज्यादा रगड़े हैं, लेकिन आपने अपने फेवर की बात को रखना नहीं सीखा।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंच पर बैठे हुए आलोक जी, बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम लोग अब उम्र दराज हो गए, कहने का मतलब सुपर इनोवेशन की तरफ, हम मंच पर और यंग लोगों को देखना चाहते हैं जो आपके साथी हों, आपके बीच के हों, हम सब अब आपको आगे का रास्ता प्रशस्त करने को बने हैं और हम ये आभास आपको दिला दें कि किसी की तलाश मत कीजिए, अपना रास्ता खुद जोड़िए। रविंद्रनाथ टैगोर किसी विश्वविद्यालय और विद्यालय में पढ़े हुए नहीं थे मगर नोबेल प्राइज उनको मिला, इसलिए ये मत सोचिए कि पढ़ने वाला ही नोबेल प्राइज मिलता है, इसलिए ललित कला की तरफ से उस ललित कला का आपको प्रयास करना है जिससे आप अपना स्थान समाज में बना सके एक संगठन के रूप में और एक आत्मशक्ति के। धन्यवाद। अभिषेक, नाउ आई रिक्वेस्ट माय बैचमेट टू प्रेजेंट मोमेंटो टू द दिनेश दास सर, प्लीज सर। तो एनपीसी साहब ने जो कॉम्प्लेंट किया, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। हर तरह से आप साथ रहकर उस कॉम्प्लेंट को सकते हैं। मिस्टर विश्वजीत दयाल जी, आपके साथ हर भला कम है इस देश में, आप आज आए हैं बच्चों का आशीर्वाद देने, अब सर आपका भाग्य। गोपाल मेरे छोटे भाई हैं, वो लोग काफी कर्पट डॉक्टर हैं, उपेंद्र उपेंद्र नारायण सिन्हा जी, इकबाल जी के साथ, डॉक्टर इकबाल जी के साथ मैं बरसों तक यहाँ से लेकर भगवान और प्रोजेक्ट पढ़ाने वाले बहुत कम लोग हमारे मित्र दिनेश जी के साथ भी रहे हैं, काफ़ी उन्होंने भी उनको मदद किया, हमने एक साथ काम किए हैं। जिस तरह से आप यहाँ मनाते हैं बहुत कम लोग, आप एक ही आग्रह है कि महीनों महीनों इसके में बर्बाद ना करें। पीली एग्जामिनेशन आता है, नेक्स्ट एग्जाम से आने की बात हो रही है, तो अभी अच्छी पढ़ाई करेंगे यार, तभी जिंदगी में कुछ कर सकते। अपने काम के प्रति आज बहुत जगह हम घूमते हुए बहुत जगह हम बहुत जगह जाना था, इसके बाद भी हमें 5 ऑपरेशन करके मिला। अपना काम तो आपको करना पड़ेगा और गरीब जनता के प्रति सहृदय होना, हाई पैसा हाई पैसा ना करें, जनहित में जो काम आप कर सकते हैं करें। एक दिन में एक पेशेंट कम से कम फ्री देंगे तभी इस प्रोफेशन में रहने का आपको आनंद मिलेगा। अंत में आपने बुलाया, मैं आभारी हूँ, यहाँ से मैं दिल से जुड़ा हुआ हूँ। पीएमसीएच में कुछ दिनों तक काम करने का भी मौका मिला था, उसने हमारे इकबाल साहब और दिनेश जी वगैरह थे और हमारे ऑल इंडिया के ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर दिनेश जो कदम से कदम लेकर के पूरे देश में मदद किया, डॉक्टर बास्ती हैं जो काफ़ी मदद करते हैं, मैं निशान हूँ। यहाँ के सभी लोग बहुत अच्छे हैं, लड़की और लड़का लड़की काफ़ी डिसिप्लिन है, लेकिन बेटा पढ़ाई करना है, पढ़ाई से ज़्यादा ध्यान इसके लिए देना, पढ़ाई जब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
मेरा बैरिकेड फिक्स नहीं है या एक्टिव मेंबर नहीं है तो प्लीज बैरिकेड से बाहर चले जाइए। मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत हो रही है। इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपका इतना सहयोग चाहिए। प्लीज जो पार्टिसिपेंट्स नहीं है प्लीज बाहर चले जाइए। अब मैं हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर आईपीएस ऑफिसर विश्वजीत दयाल सर को कुछ ज्ञानवर्धक शब्दों हेतु आमंत्रित करता हूँ। अनुरोध करती हूँ कि सर प्लीज दो शब्द। ऑल द जूनियर्स, हमारे सेक्टर सीनियर्स, सबको मेरा प्यार भरा गुड इवनिंग। सबसे पहले हमारे जो गुरु हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह, उनको मैं प्रणाम करता हूँ क्योंकि हमारे मेडिकल लाइफ के करियर में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। ये आदमी ही नहीं, एक समझिए जीनियस है या महामानव है। उनके बारे में कहा जा सकता है एक बहुत पुराना शेर है, हजारों साल गंदगी सबके बेनूरी पर होती थी, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में एक सहजानंद पैदा। और इसके साथ साथ हमारे जो जूनियर प्यारे बच्चे सब हैं वो मेडिकल पढ़ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि मेडिकल की पढ़ाई कितनी टॉक्सिक है और कितना स्ट्रेसफुल है और कितना वो समझिए कि एग्जॉस्टिंग है। इसलिए इस तरह का फंक्शन जो आज आप लोगों ने किया है और ऑर्गेनाइज कराया है, ये बार बार होते रहे जिससे कि टॉक्सिसिटी कम हो। बचपन में जब मैं 9th 10th में पढ़ता था तो मैं सोचता था कि ये पढ़ाई का सिस्टम किसने निकाला, जिसे भी निकाला मैं सारा उसको फांसी दे दूंगा। पढ़ाई का सिस्टम निकाल के और बच्चों को पढ़ाई करा दिया, लेकिन मैंने अब मुझे अब लगता है कि पढ़ाई कितना ज़रूरी है, क्या कि हम लोग खास करके मेडिकल साइंस में पढ़ाई पढ़ करके जनता की, गरीब जनता की दुखों को का निवारण करते हैं। इसलिए पढ़ाई भी उतना ही ज़रूरी है, लेकिन इस तरह का फंक्शन कभी कभी करके और हमारे रिस्पेक्टिव सीनियर्स वगैरह को बुला करके यहाँ पर गाइडेंस देने के लिए इस तरह का फंक्शन महीना दो महीना पर ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी होता है। खुश होने की बात नहीं है, इस ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइज करने में मैं हमेशा आप लोग के साथ हूँ और आप लोग जम के पढ़ाई करें और जम के मुस्कुराते हुए पढ़ें। अब समय काफ़ी निकल चुका है, इसलिए मैं आप सोचता हूँ कि मैं अपने वक्तव्य को बंद करूँ और सभी लोगों को फिर से थैंक्स करता हूँ, खास कर हमारे जो फ्रेंड्स हैं और गुरुदेव हैं यहाँ पर स्टेज पर, आईपीएस ऑफिसर दयाल साहब हैं, सभी लोगों को मेरा फुल ऑफ रिस्पेक्ट एंड फुल ऑफ लव प्रणाम कहते हुए मैं आप लोगों से माइक से विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद सर। दम्मा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट्स इन बिहार, सर्विंग हेल्थ केयर टू पीपल इंस्पायर्ड बाय बुद्धा एंड हिज धम्मा, अ ट्रीटाइज ऑन बुद्धास लाइफ एंड बुद्धिज्म। This well-known establishment acts as one-step destination servicing customers, both local and from other parts of Patna. Sir, sir, एक बार सभी कोई सामने देख लीजिए सर। Thank you. Willing to mentor a student and steer them to success. Acting as a catalyst to address brain drain in Bihar to bring quality of affordable education to the hinterland India with 400 plus staff and 10,000 plus student mentors. I would request Dr. N.P. Singh sir to please present memento to Dr. Anand Jaiswal sir. Sir. ये वायरल होना चाहिए फोटो है कि पढ़ाने वाले यही लोग और मेरे ख्याल से पीएमसी में बहुत सारे बच्चे होंगे जो मेंटर से उस सबसे पढ़ के यहाँ पे आज मेडिकल के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे देख के मुझे खुशी हो रही है और अपने पुराने दिन भी याद आ रहे हैं। मैंने तो ऐसे इंजीनियरिंग किया है लेकिन इवेंट का ज़्यादा मज़ा मेडिकल कॉलेज में मिलता था, तो एक जो यूथ को देख के हमें भी इंकरेजमेंट मिलता है कि ये बच्चे इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं और रिस्पेक्टेड जितने भी लोग मंच पे बैठे हैं उनको मेरा प्रणाम। और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि इस तरह के इवेंट से जुड़ने का हमें मौका मिलता है और
हर साल मेरी एक कोशिश होती है कि इस तरह के इवेंट से जुड़ा जाए। लास्ट ईयर भी मैं इवेंट में आया था और इस साल भी आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखिए, डॉक्टर बनना अपने आप में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। मैं तो देखता हूँ बच्चे क्लास 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से 11 12 में आके मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं और इतना टफ होता जा रहा है मेडिकल एंट्रेंस, IIT से ज़्यादा टफ हो गया है। IIT में 8 लाख बच्चे अपियर होते हैं, मेडिकल एंट्रेंस में 18 लाख बच्चे अपियर होते हैं और उसमें से सक्सेसफुल बच्चे आप लोग हैं। तो ये अपने आप में अचीवमेंट है कि ये आपने अचीव किया है। और कोरोना काल में जो डॉक्टर को भगवान कहा जाता था आप सबों को, तो वो तो साबित हो गया और हर लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया कि आप लोग वाकई भगवान का दूसरा रूप है। और मेरी कोशिश ये रहती है कि PMCA जैसे टॉप ऑर्गेनाइजेशन में, जो बिहार का जैसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे बच्चों को भेजना। 6 से हम क्लास से बच्चों को ट्रेन करना स्टार्ट करते ताकि उनको जो कॉम्पिटिशन है वो फील ना हो। ये सिस्टम बिहार में पहले नहीं था, मैं हैदराबाद में था, वहाँ देता था बच्चे 6 से तैयारी कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे भी बच्चे कर रहे हैं, इसका बहुत फायदा मिल रहा है और बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट भी हो रहे हैं। अभी मैं छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा। पहले मैं देखता था कि जो डॉक्टर्स बनते हैं वो डॉक्टर्स के फैमिली के बच्चे ज़्यादा बनते थे, लेकिन आज धीरे वो ट्रेंड चेंज हो रहा है और एक गरीब घर का बच्चा भी डॉक्टर बन रहे हैं। तो ये चेंजेस हैं जो एक पॉजिटिव चेंज है हमारे सोसाइटी के लिए, क्योंकि हमें बहुत सारे डॉक्टर की जरूरत है। डॉक्टर की कमी बिहार जैसे जगहों में तो बहुत ज़्यादा फील होता है। और इसके लिए एक पहल भी हम लोग अभी कर रहे हैं कि हम लोग फ्री में कोर्स लॉन्च कर रहे हैं मेडिकल की तैयारी के लिए बच्चों को, और उसमें कोई फी नहीं लिया जाएगा लोगों से। और ये हम लोग कमिंग संडे से स्टार्ट कर रहे हैं 26 तारीख से, जिसमें बच्चों को फ्री में लाइव क्लासेस दिया जाएगा। बिहार के किसी भी कोने में कोई बच्चा बैठा है और वो अगर समर्थवान नहीं है, फी नहीं पे कर सकता, तो फ्री में वो क्लासेस कर सकता है, फ्री में उसको असाइनमेंट मिलेगा, फ्री में उसको सारी सुविधा मिलेगी। तो मुझे लगता है उससे और ज़्यादा बच्चे डॉक्टर बनने की तरफ प्रेरित होंगे। सो एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन मैं भी इस तरह सोसाइटी में करना चाहता हूँ और जो करने के लिए अवसर हो, मेरा रिक्वेस्ट है आप सारे बच्चों से, आप लोग सारे डॉक्टर्स हैं, तो जो बच्चे आपके आसपास के हों और वो अगर अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन को, तो आप उनको प्रेरित करें और इस तरह के कोर्स को ज्वाइन करें। सो थैंक यू ऑल, एंजॉय द इवनिंग एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू, थैंक यू सर। इस सत्र को समाप्त करने से पहले एक बेस्ट टीचर का अवार्ड है, सो आई वुड रिक्वेस्ट आवर चीफ एडवाइजर डॉक्टर सेंजा नल सर टू प्लीज प्रेजेंट दिस अवार्ड टू आवर एंटी सिंह सर। कहाँ सामने आई कहाँ जहाँ भी है वहीं से बोल। प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डॉक्टर एंटी सिंह सर। सर आपका आशीर्वाद हमेशा ऐसा ही बना रहे हमारे ऊपर। की तरफ से तालियां। हमारा सेवा धर्म हमारा, जन जन के मन मन में निखरे सेवा धर्म हमारा, सेवा धर्म हमारा। गुरु तानीर लहर की लेकर, गुरु तानीर लहर की शिखर पर लहरे, सेवा तुंग शिखर पर लहरे, संग शक्ति ध्वज प्यारा, सेवा धर्म हमारा, जन जन के मन मन में निखरे सेवा धर्म हमारा, सेवा धर्म हमारा। उच्चादर्श लिए सुषमान, उच्चादर्श अमर भावना सुखी रहे भक्त, कमल दलों से ज्ञान चेतना, कमल दलों
प्रगति चक्र का साथ लिए लिए प्रेम और स्नेह का संग लिए प्रेम और स्नेह का संग जीवन मधुर मधुर तम करने जीवन मधुर मधुर तम करने गूंज गीत हमारा सेवा धर्म हमारा जन जन के मन मन में निखरे सेवा धर्म हमारा सेवा धर्म हमारा सेवा धर्म हमारा सेवा धर्म हमारा कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले हम सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश को याद करते हैं। वक्रतुंडे महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। बोलो गणपति बप्पा बोलिया मंगल मूर्ति। नाउ आई रिक्वेस्ट पूजा टू प्लीज कम ऑन स्टेज फॉर गणेश वंदना।
excited. Thank you so much, ma'am. For next performance, I would like to call Queen, Classical Queen Shashi and Hip Hop King Shubham from 2021 batch. Juniors for entertaining our audience. Thank you, Juniors. अब बारी है 1986 में से डॉक्टर बसंत कुमार पंचानन सर का. He was secretary of ललित कला परिषद at his time. उन्हें उनके समय में मोहम्मद रफी ऑफ PMCH कहा जाता था. तो आप ये उनकी आवाज से खुद पता लगा सकते हैं. सर प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज. शर्ली जी थोड़ा सा बेस देंगे और एको थोड़ा सा देंगे. मेरे पास सब बहुत सारे शब्द हैं, वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं सीधे गाना शुरू कर रहा हूं. आप माइक चेंज कीजिए. पहले अभी यासिर जी को सुनने के लिए आप बेचैन हैं. यासिर जी से पहले कुछ पुराने नगमे हम आपको सुनाना चाह रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप भी उसी तरह से जोरदार तालियों से स्वागत करें और इंजॉय करें अपने आप को. हमारे जमाने में ये इतने सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे. ये भाई गिटार का सेट कर लो, एक घंटा सेट करें. हमारे यहाँ में माइक लगाया बस थोड़ा एक और हेलो हाँ. थोड़ा एक और हाँ ओके प्ले हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक वन टू हेलो ट्रैक प्ले कीजिए. हेलो क्या हुआ.
थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। कभी रजामंदी तो कभी बगावत है इश्क, कभी रजामंदी तो कभी बगावत है इश्क, मोहब्बत राधा की है तो मीरा की इबादत है इश्क। सुना वी हैव ऋषभ अक्षय एंड नम्रता टू शो अ ब्यूटीफुल लव ट्राइंगल इन फ्रंट ऑफ यू। Roll up on the ocean, come and feel me, come and feel me. आँखों से झूलों के बाहें तरसती हैं, दिल ने पुकारा है हो, अब तो चले आओ, आओ के शबनम की बूंदें बरसती।
दी। अब आ रहे हैं अपने अगले परफॉर्मेंस के साथ पीएमसीएच के सरदार खान और आदर्श कुमार आर्या और मारी अक्षय आनंद कौशिक बॉस, प्लीज कम ऑन द स्टेज। हमने कभी नहीं चाहा था कि मोहब्बत हो, पर उनकी एक नजर ने हमें बदनाम कर दिया। चल के मोर होना चाहिए, इस शानदार सिसाम में थोड़ा और शोर होना चाहिए। दिखाने को तो हम रात भर भी डांस दिखाएं आपको, दिखाने को तो हम रात भर भी डांस दिखाएं आपको, मगर आपकी तालियों में थोड़ा और जोर होना चाहिए। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, या आसमान भी आएगा जमीन पे, बस इरादों में गूंज चाहिए। हाँ, कैसे भी हो गुनगुनाते हैं हम, ए जिंदगी तेरी बेबसी पे मुस्कुराते हैं हम, तू क्या सजा देगी मेरी किस्मत बदल कर, जा तेरी खुशी को भी ठुकराते हैं हम। ठीक है ना, एहसासे मोहब्बत दूरियां ही बताती हैं, एहसासे मोहब्बत दूरियां ही बताती हैं, मिलने की बेचैनी हर पल सताती है, मुझे खुद नहीं परख है इश्क की, मगर तेरी बातें तेरी गुफ्तगू हर पल याद आती है, हर पल याद आती है। बेस गिटार आ रहा है, पैड, ओ गिटार। नहीं, जिंदगी का किस्सा है मेरा, तेरी धड़कन ही जिंदगी का किस्सा है मेरा, तू जिंदगी का एक आम हिस्सा है मेरा, मेरी मोहब्बत सिर्फ लफ्जों तक ही नहीं, रूह से रूह तक रिश्ता है मेरा। आइए मेहरबान करदान साहिबान, साथ में लेकर पूरा खानदान, आप ही से रौनक आप ही आन बान शान, मिलकर इस महफिल में फूंकते हैं जान। हेलो, जी मिलने
की आपने भी क्या खूब साथ दिया जब भी आई बात रंग जमाने की। ललित कला परिषद प्रेजेंट्स मृदंग। मेन पार्टनर इज धमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हॉस्पिटलिटी पार्टनर अमल्फी एंड फूड पार्टनर हाईवे जंक्शन। थैंक यू स्पॉन्सर्स, विदाउट यू दिस प्रोग्राम वाज नॉट गोना बी दिस अमेजिंग। अब समय आ गया है हमारा अलविदा कहने का। आगे की प्रोग्राम के लिए हम हैंड ओवर करते हैं ज्योति और नमन को। मैं नमन आपके पुराने को फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का एलकेपी द्वारा आयोजित इस रंगारंग कार्यक्रम में। और मैं पीएमसीएच के जो मजा मा। तो चलिए प्रोग्राम को अब आगे बढ़ाते हैं। तो जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहेंगे शालीन शिखा मोहन का एंड गौरव बोस, जो अपने परफॉर्मेंस से ओबीएस ग्राउंड में मौजूद इस स्टेज को कंपित करने वाले हैं। Fall down, fall down, fall down. Yo, you spill like fall down, fall down. If I tell you, say I love you, you know they from me hang out. Oh, hang out. Not tell me, no, 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 no.
जैसे धूल उड़ा के सिंह उठा के तुम भी नाचो बाजी जम के ताल ढोल बेट राज उड़ के नाचो हीरो से भी तेज कोई कर सके जो बेज नाचो अस्तबल में घोड़े जैसे भाग डोर छोड़ नाचो जो तो रोट मोटा मिर्च खा के ऐसे नाचो आजा छोरे आजा गोरे आजा छोरे Hey, hey, hey.
देसाई सर का आने का समय हो गया। प्लीज प्लीज आपसे निवेदन है, थोड़ा पीछे कॉलेज के अलावा जितने भी हैं, प्लीज आप सबसे अनुरोध है बैरिकेड को खाली कर दें। बहुत देखा होगा आपने, लेकिन जो अभी आप ओवीएस ग्राउंड के इस स्टेज पे देखने वाले हैं वो अद्वितीय होने वाला है, क्योंकि हमारे बीच आ रही है 19 बैच की माइकल जैक्सन। क्योंकि नृत्य इनकी भाषा है, नृत्य इनकी परिभाषा है, बिना पल के झपका है, दिल था में देखिएगा। 19 बैच की आन बान शान अंजलि एमजे, प्लीज वेलकम एंड चीयर अप फॉर अंजलि। करारी चाय लबों से यूं पिलाओगे, न आए हो न आओगे, न दिन ढले सताओगे, न रात की नशीली बाय से नींद में जगाओगे।
थैंक यू बॉस।
परफॉर्मेंस। अब स्वागत करेंगे भाभी एंड ग्रुप का जो आपके बीच लेके आ रही है संगीत। प्लीज जोरदार तालियों के बीच स्वागत। हमारे 19 बैच के नेता जी जिनके बिना ये महफिल जज्बात अधूरी है। थैंक यू नमन। अब I'm sorry.
बारिश ऐसी हो कि समंदर में तूफान आ जाए, बारिश ऐसी हो कि समंदर में तूफान आ जाए, इस शानदार परफॉर्मेंस के लिए तालियां ऐसी बजाई जाए कि महफिल में जान आ जाए। अब हम बुलाना चाहते हैं अभिनव को, जो अपने सिंगिंग से आप सभी को आनंदित करने वाले हैं। प्लीज वेलकम एंड चीयर अप फॉर अभिनव।
गैस फैसिलिटी ने हम लोग को सहयोग दिया है उनके लिए ये पटना मेडिकल कॉलेज शुक्रगुजार है, और हमारे बच्चों के तरफ से उनको मोमेंटो दे करके सम्मानित किया जाएगा। तो ये आपका जो परफॉर्मेंस है बहुत ही काबिले तारीफ है, और हम लोग के बच्चों में ये प्रतिभा है कि हमको किसी बाहर के कलाकारों की जरूरत नहीं है। हाल में मैडम शांति राय ने भी बोल के किया है कि बच्चों तुम्हारी जो प्रतिभा है अद्वितीय है, और आपने ये दिखला दिया है कि ये पटना मेडिकल कॉलेज किसी से कम नहीं है, हम में भी बहुत दम है और जान है। तो दोस्तों ये जो है माहौल है इसको आप बनाए रखें, अनुशासन के साथ हम सब कार्यक्रम करेंगे, और हमारे जो मेन सिंगर हैं वो आएंगे और हम लोग का एंटरटेन करेंगे। तो हमारे बीच में है दम्मा हॉस्पिटल के आदित्य जी और चक्रपाणी जी, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आपको यहाँ पर बुलाए हैं स्टेज पर, और आपके सहयोग के लिए हम लोग आपको सब धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।
मिला के पूछे हाउ डू यू डू, आँख मिला के पूछे हाय हाउ आर यू, हाथ मिला के पूछे हाउ डू यू डू, स्माइल पे उसकी स्माइल पे उसकी, हाँ तबीयत बड़ की शहर की लड़की.
सिंह।
फुल हाउस द जोश हक्के हक्के अरे आई लव यू टू। अच्छा पहले ये बताओ, अरे बताने तो दो भाई तुमसे। अच्छा पहले ये बताओ, ये ऑडियंस सिर्फ आज गाना सुनने वाली है कि गाने भी वाली? लेट्स पुट इट टू टेस्ट। ठीक है, मैं एक लाइन गाता हूँ, लाइन कंप्लीट करो। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले, गाँव तराना यारो झूम झूम के दिल मेरा बोले। अच्छा ये ऑफ, ये भी कंप्लीट करो। चलो तुझको बना करके ले जाएंगे, आई थॉट यू'ड से यासर की दुल्हनिया बट नॉनेस, तुझको बना करके ले जाएंगे। लवली, दिस नेक्स्ट सॉन्ग इज वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग ऑफ माइन। ठीक है, छोटा मुंह बड़ी बात। द सॉन्ग इज कॉल्ड दिल को करार आया। गाएंगे साथ में? चलो गाते हैं साथ में, बजा दो।
अरे पटना वाले सुनो मेरी बात, मेरे ना लेफ्ट कान में इनियर्स है और मुझे लेफ्ट से थोड़ा सा कम सुनाई दे रहा है, तो एक बार जोर से शोर मचाओ ताकि मेरे को पता चले बैलेंस साउंड आ रहा है कि नहीं। लेफ्ट वाले ऑन द काउंट ऑफ थ्री, 1 2 3। बराबर है, बराबर है।
अरे स्टेज के पीछे से कहां से आवाज आ रही है भाई? तुम लोगों के पास मोबाइल है तो निकालो, फिर निकालो निकालो निकालो। लाइट मांगती अपने को भाई, लाइट नहीं ऑडियंस।
Is
परेशान भाई, अरे किधर हो गए? जानती हो हिंदी में प्यार के कितने अच्छे, बोल दो मेरी बात, प्यार के तो ही अच्छे, जीत का मंत्र है टिंगड़ी सी बोल दी, चार दिन की जानती है ये जवानी बहन की, उर्वशी उर्वशी देखी उर्वशी उगली खसी उगली Yeah.
हाथ में बस करूंगा।
इसके बाद नाचने गए भाई
मुझको हाथ डलूगा मुझको मेरी बातों में दिल से बड़ूगा मुझको we'll be right back.
क्या बात है।